जनपद रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में अत्यधिक बारिश के बाद जिला प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी से रेस्क्यू कर यात्रियों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि अब तक 400 यात्रियों का हेली के माध्यम से 1500 यात्रियों का सफल मैनुअल रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें 40 महिलाएं और 25 बच्चे भी शामिल हैं। इसी दौरान नेपाल से श्री केदारनाथ धाम के दर्शन को पहुंचे तारकेश्वर सिंह ने बताया कि वह बीती शाम को गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए निकले थे, लेकिन कुछ ही दूर पर जाने के बाद भारी बारिश और बाढ़ आने से वह रात भर वहीं रुक गए। उन्होंने बताया कि सुबह एनडीआरएफ की टीम के पहुंचते ही उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसके तहत ही जिला प्रशासन एवं रेस्क्यू टीमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन व रेस्क्यू की टीमें पूरी तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इसमें आज सुबह से जो है रेस्क्यू अभियान चलाया गया, रेस्क्यू जो है एयरलिफ्ट भी किए गए हैं और जहाँ जहाँ से लोग रास्ते के माध्यम से आते थे उनको भी किया गया। तो सोनप्रयाग तक, अब गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच हमने लगभग 1500 लोग को रेस्क्यू कर दिया है और एयरलिफ्ट से हमने जो है लगभग 550 के लोग रेस्क्यू कर दिए हैं। और जो लिंचोली और भीमबली में भी अभी 500-550 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 6:30 बजे तक लगभग हमारा रेस्क्यू कार्य चलता रहेगा। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी कई प्रार्थना करी थी, तो उसमें जो है हमारा जो है चिनूक हेलीकॉप्टर और MI आ चुके हैं, तो उनसे भी रेस्क्यू किया जाएगा। और कल भी ये प्रातः सूर्योदय होते ही फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। कल रात की बारिश से नदियों में अत्यधिक उफान के कारण जगह जगह रास्ते टूट गए हैं और लोग जो है जगह जगह फंस गए हैं, जिस कारण से वहाँ पर उन्हें रोका गया है और उनके रहने की खाने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। और रास्ता टूट जाने के कारण जो है सुबह से हेली के माध्यम से और साथ ही साथ पैदल दोनों तरह से जो है रेस्क्यू स्टार्ट किया गया। और 3 हेली जो है भीमबली लिंचोली से बराबर जो है श्रद्धालुओं को ला रहे हैं। अब तक लगभग 390 के आसपास जो है श्रद्धालुओं को नीचे लाया गया, रेस्क्यू किया गया है। इसी प्रकार से सोनप्रयाग में जहां पर रोड वॉश आउट हुई है वहां पर, मेरा नाम तारकेश्वर नाथ सिंह, हम नेपाल से हैं, नेपाल के चितवन जिला से। हम कल शाम को यहाँ आए, आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए, फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह NDRF की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं।